हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारे पास में JEE मेंस के पेपर में पूछा गया था, जो कि हमारे पास में किस टॉपिक से है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के टॉपिक से है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जो कि हमारे पास में क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है, और हमसे क्या पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2A, ये पूछा गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेसिक सा जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन होता है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए और अगर मैं उसका डिटर्मिनेंट ले लूं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, यही होता है। ठीक है, तो यही सेम प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे। तो ये अगर हमारे पास में सपोज करिए ए दे रखा है 1/5 × 6 × 7 और हमारे पास में एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 5 × 6 × 7 × 6 × 7 × 8 और यहाँ पर है 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं डिटर्मिनेंट यहाँ पर निकाल लूँ, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले में हमारे पास में क्या चाहिए, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। तो जैसे ही हम डिटर्मिनेंट यहाँ लिखेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/5 × 6 × 7 × और यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम थिंग 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट ले लिया, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हर एक रो से और हर एक कॉलम से। तो हमने क्या कर लिया, हर एक फर्स्ट रो से हमने 5 कॉमन ले लिया, सेकंड रो से हमने 6 कॉमन ले लिया और थर्ड रो से हमने 7 कॉमन ले लिया। तो हमारे पास में ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और इनसाइड में हमारे पास में क्या बच जाएगा, इनसाइड में हमारे पास में बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 6, यहाँ पर बचेगा 7×6 = 42, यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 6 कॉमन लिया है 1, यहाँ बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ बचेगा हमारे पास में 8×56। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या बचेगा, 7 कॉमन लिया तो 8 बचेगा, यहाँ 9×72। ठीक है, यही बचेगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए, तो 1 × क्या आ जाएगा हमारे पास में 7×2 = 14, 7×7 = 49, 49 + 1 = 50, यही होगा। ठीक है, माइनस 8×6 = 48, 8×5 = 40, 40 + 4 = 44। ठीक है, माइनस 6×72 - 56 + 42×8 - 7, यही होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 504 है हमारे पास में, और यहाँ पे 448 है, तो यहाँ से हमारे पास में बच जाएगा 48, 52 और 4, 56 बच जाएगा हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, माइनस यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6×6 = 12, 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे से 6 बचेगा, तो 5×1 = 6, यही हो जाएगा 16, 16×6 = 96। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 96 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 8×7 = 1, तो 42।
ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 42 डालेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो 98 - 96 विच इज़ इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो हमारे पास में क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिल गया 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। और हमें क्या फार्मूला यूज़ करना था, यहाँ पर हमें फार्मूला यूज़ करना था, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ टू ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a रेज टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, तो n माइनस 1 का स्क्वायर, n हमारे पास में क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ 2a रेज टू द पावर 3 - 1 विच इज 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और इस 2 को अगर जैसे हम बाहर निकालेंगे डिटरमिनेंट से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब बाहर आएगा और उसके ऊपर पावर 4 है, तो पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 4, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, 2 रेज टू द पावर 12। और यहाँ पर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमारे पास में क्या आया है, 2 आया है, सो 2 रेज टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 16, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4th, दैट इज ऑप्शन डी, 4th ऑप्शन 2 रेज टू द पावर 16 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या था, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ किया, बेसिक प्रॉपर्टीज़ को, और हमारे पास में डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। चलिए